सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपने YouTube चैनल को, प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को जिससे हमारे आने वाले हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जय अवेजो के चैनल में आप सभी लोग को स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में बताएंगे कि सैनिक स्कूल घोड़ा खाल नैनीताल उत्तराखंड चिकित्सा जांच हेतु निर्देश, जो कि सभी सैनिक स्कूलों में यही निर्देश रहेगा क्योंकि स्कूल की तरफ से इसका आया। आपके बच्चे की चिकित्सा जांच सैनिक अस्पताल बरेली में होगी, जिसके लिए देय शुल्क आपको देना होगा। कृपया आप अपने बच्चों के कान साफ करवा कर लाएं ताकि चिकित्सा जांच के समय परेशानी ना हो। साथ में लगाए गए दोनों फॉर्म साफ साफ भर कर लाएं तथा दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी साथ लाएं। इन फार्मों को बिल्कुल साफ रखें एवं मोड़े नहीं। इन्हें भरने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें, जो कि यहाँ पर निर्देश देगा। नंबर एक, बच्चे का पूरा नाम साफ साफ अक्षरों में लिखें, जो कि आपको कॉलम नंबर एक में भरना, कॉलम नंबर दो में भरना, स्कूल द्वारा दिया गया रोल नंबर लिखें, कॉलम नंबर तीन में खाली छोड़ देना आपको, कॉलम नंबर चार इसमें बच्चे की जन्मतिथि लिखना है, कॉलम नंबर पाँच छः खाली छोड़ना है, कॉलम नंबर सात उम्मीदवार छात्र के पहचान चिन्ह खाली छोड़ दें तथा दी गई जगह में बच्चे की फ़ोटो चिपकाएं, कॉलम नंबर आठ अपना पूरा स्थायी पता, पिन कोड, फ़ोन, मोबाइल नंबर सहित अवश्य लिखें, कॉलम नंबर नौ में माता पिता भाई बहनों के नाम उम्र के हिसाब से क्रमवार लिखें और परिवार के बारे में जानकारी दें, कॉलम नंबर दस में यह कॉलम बच्चे की चिकित्सा जानकारी के बारे में है। यदि कॉलम दस में दी गई बीमारियों से बच्चा कभी ग्रस्त हो रहा हो तो उचित जगह पर जानकारी दें, भविष्य में इन बीमारियों का पता लगने उसे स्कूल से निष्कासित किया जा सकता है। उसके नीचे कमोड में अन्य जानकारी दें, जैसे घटित हुई वो पेज के अंत में दाएं हाथ पर नीचे बच्चे व पिता अभिभावक के हस्ताक्षर अवश्य कराएं। कॉलम नंबर 11 हुआ, उससे आगे का फॉर्म आपको नहीं भरना है, जो इसका लिंक इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसे भी आप लोग वहां से भी देख सकते हैं।